Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lyal Public School. Today we are going to start chapter number 12, Early Humans of SST. In this chapter, we will study about life of early humans as hunter-gatherers. इस चैप्टर में हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, मेकिंग यूज ऑफ फायर एंड बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, उन्होंने कैसे फायर का यूज किया और फार्मिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई. ओके, सो लेट स्टार्ट द चैप्टर नाउ. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अर्ली ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स. दे मेड टूल्स एंड वेपन्स of stone for hunting and gathering food. Early humans जो थे वो hunter gatherers से, means वो शिकार कर कर ही अपना चीजें इकट्ठी करते थे. They made tools and weapons. वो किससे tools बनाते थे? Stones से. क्यों? वो क्यों बनाते थे tools and weapons? Hunting के लिए और gathering food के लिए. वो food जो है इकट्ठा करते थे अपने tools and weapons से hunting करके. Early humans learned how to make a fire. उन्होंने कैसे सीखा कि फायर कैसे बनती है. एंड अर्ली ह्यूमंस बिगन फार्मिंग एंड सेटल डाउन. और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट करी और सेटल डाउन होना स्टार्ट किया. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो व्हेन अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ. बहुत बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स ईयर्स पहले, जब अर्ली ह्यूमंस सबसे पहले अर्थ पर आए, दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. उन्हें कुछ भी नहीं पता था कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है. सो देयर इज नो रिटन हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम. इसलिए उस टाइम की कोई भी हिस्ट्री हमारे पास रिटन में नहीं है. दिस पीरियड इज नोन एज प्री हिस्ट्री. वो पीरियड किस नाम से जाना जाता है? प्री हिस्ट्री के नाम से, क्योंकि उस टाइम का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, क्योंकि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कुछ भी नहीं जानते थे. द पीरियड ऑफ टाइम दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड हिस्ट्री. हिस्ट्री किसको कहते हैं? जब राइटिंग आ गई, जो हम ह्यूमन बींग्स को राइटिंग मीन्स लिखना आ गया, तो उसके बाद के टाइम पीरियड को हम हिस्ट्री कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस लर्न अबाउट द अर्ली ह्यूमंस. अब हमें पता कैसे चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से. दे डिग इन टू द अर्थ टू फाइंड रिमेन्स सच एज बोन्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द पास्ट. उन्होंने क्या किया? अर्थ को के अंदर से पुरानी चीजें निकाली. मीन्स पीपल जो थे उस टाइम के, उनकी बोन्स, एनिमल्स की बोन्स, उनकी हेल्प से हमें पास्ट के बारे में पता चला. दे ऑल्सो लुक एट ऑब्जेक्ट्स सच एज टूल्स, पॉटरी एंड कॉइन्स. और धीरे धीरे क्या मिलने शुरू हुए? बहुत पहले के टूल्स हैं, पॉटरी हैं, कॉइन्स हैं, ये चीजें मिलनी स्टार्ट हुई. बर्थ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स द अर्थ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टूडे. अर्थ जो है वो पहले बहुत अलग थी. द क्लाइमेट वॉज टू कोल्ड. बहुत ही ज्यादा कोल्ड रहता था यहाँ पे. ह्यूमंस वर ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे आर टूडे. लोग भी अभी जो है उससे बिल्कुल डिफरेंट थे. हैव यू एवर सीन अ चिंपैंजी? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट चिंपैंजीज आर आवर कजिन्स. आप लोगों को ये जान के सरप्राइज होगा कि चिंपैंजी जो होते हैं वो हमारे कजिन की तरह माने जाते हैं. Many, many years ago, humans and chimpanzees had a common ancestor named the great ape, which lived in Africa. पहले जो था अफ्रीका में, humans and chimpanzee जो थे उनका एक ही नाम था, great ape. The scientific name for human being is Homo sapiens, which means wise man. Scientific name यदि हम human being का देखें तो Homo sapiens था, जिसका meaning होता है wise man. Skull of an early Homo sapiens. Look at the picture. ये जो है ये स्कल है हमारे पुराने बहुत पहले के ह्यूमन बींग का. Now life of early human as hunter gatherers. अब जो हमारे बहुत पहले के जो हमारे ह्यूमन बींग से जिन्हें हम अर्ली ह्यूमन कहते हैं वो हंटर गैदर्स थे. द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वॉज डिफिकल्ट एंड डेंजरस. उनकी लाइफ जो थी वो बहुत ही डिफिकल्ट थी और डेंजरस थी. They moved from one place to another in search of food and water as they did not know how to grow crops. वो लोग crops grow करना नहीं जानते थे, इसलिए वो क्या करते थे? एक place से दूसरी जगह food and water को search करने के लिए घूमते रहते थे. They ate berries, nuts and roots. वो क्या खाते थे? वो जो भी उन्हें मिल जाता था, berries and nuts and roots है, वो roots तक खाते थे.
which they pluck from trees or dug out from underneath the soil. अब वो रूट कैसे खाते थे? सॉइल के अंदर से निकाल के, जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था तो वो ट्री से कुछ भी तोड़ लेते थे या सॉइल के अंदर से निकाल के खाते थे. They also hunted animals for meat, which they eat raw. अब वो एनिमल्स का मीट भी खाते थे, पर वो कैसा खाते थे? वो रॉ मीन्स वो कच्चा खाते थे. बिकॉज दे हैड नॉट लर्न हाउ टू मेक फायर, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था फायर क्या होता है. एज दे लिव बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग अदर फूड आइटम्स, अर्ली ह्यूमंस वर नोन एज हंटर गैदरर्स. इसीलिए उनका क्या नाम पड़ा? क्योंकि वो एनिमल्स का शिकार करते थे और फूड गैदर करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया हंटर गैदरर्स. In course of time, early human learned to make tools of stones and bones and use these as weapons to keep wild animals away and dig up roots to eat. अब धीरे-धीरे उन्होंने क्या शुरू किया? Stone and bones से tools बनाना. Tools बना के वो क्या करते थे? उसको एक weapon की तरीके से use करते थे wild animals को hunting के लिए. Okay? इसके अलावा जो वो roots हैं, उन्हें भी उन tools की help से निकालने लगे. They also used these tools to clean the skin of animals. अब उन्हीं tools की help से धीरे-धीरे उन्होंने क्या शुरू किया? इसकी skin animals की skin को clean करना. They hunted and made clothes using this skin. और फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया? उस time बहुत cold होता था. अब उन्होंने इससे उस जो animals की skin थी, उनसे उन्होंने अपने clothes बनाने शुरू कर दिए. Yes. Making use of fire. अब फायर का यूज कैसे करना सीखा? For thousands and thousands of years, बहुत बहुत टाइम पहले स्टोन एज पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जब वो सिर्फ स्टोन यूज करते थे, उन्हें हम क्या कहने लग गए? स्टोन एज पीपल. वो क्या करते थे? वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करते रहते थे. One thing that changed the life of early humans forever was the discovery of how to make and use fire. अब उन्हें क्या पता चला कि फायर कैसे बनती है और उसका यूज क्या है. इससे क्या हुआ? अर्ली ह्यूमंस की जो लाइफ है वो पूरी तरह चेंज हुई. व्हाई वाज इट अ टर्निंग पॉइंट? अब हम इसे टर्निंग पॉइंट क्यों कहेंगे? अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड दैट फायर स्केयर्ड अवे वाइल्ड एनिमल्स. अर्ली ह्यूमंस को ये पता चला कि फायर से क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो दूर रहते हैं. Fire gave light and heat and kept them warm inside the cold caves. अब वो क्या करते थे? वो caves में रहते थे, गुफाओं में रहते थे. अब fire से क्या पता चला उनको? कि fire से light भी आती है और जो cave के अंदर है वो यदि वो आग जला लेंगे तो क्या होगा? Warm भी रहेगा, गर्म रहेगा. Later, early humans begin to use fire to cook food. और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है early humans ने उसको food cook करने के काम में लेना शुरू किया. Early humans did not write. Early humans को लिखना नहीं आता था, but they drew paintings on cave walls. लेकिन जहाँ वो cave में रहते थे, वहाँ वो paintings बनाते थे. What do you think they painted? आप क्या सोचते हैं वो क्या बनाते होंगे? What does it tell us about their lives? क्या वो अपनी life के बारे में बताते थे? From hunter gatherers to farmers. As time passed, early humans noticed that plants grew from seeds. धीरे-धीरे करके उन्हें क्या पता चलना शुरू हुआ? कि जो सीड्स होते हैं उनसे क्या बनता है? नया प्लांट ग्रो कर जाता है. दे लर्न अबाउट एडिबल फ्रूट्स, वेजिटेबल लीव्स एंड रूट्स. और उन्हें यह भी पता चला कि हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब खाने चाहिए. दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ फार्मिंग. और इसके बाद धीरे धीरे क्या स्टार्ट हुई? फार्मिंग करना. द फर्स्ट क्रॉप्स ग्रोन बाय अर्ली ह्यूमंस फॉर व्हीट एंड बेले. सबसे पहले उन्होंने व्हीट एंड बेले को वो उनकी क्रॉप्स जो है उनको ग्रो किया. अर्ली ह्यूमंस आल्सो बिगिन टू टेम एंड कीप सम एनिमल्स सच एज शीप, गोट्स, बुलक्स, काउस एंड डॉग्स. वो एनिमल्स को अपना पेट बना के भी रखते थे, जिनमें थे शीप, गोट, बुलक्स, काउस एंड डॉग्स. दिस इज नोन एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. फार्मिंग के साथ साथ क्या शुरू हुआ? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. व्हाई वाज इट अ टर्निंग पॉइंट? अब ये जो था ये क्यों टर्निंग पॉइंट था? The beginning of farming changed the way the Stone Age people got their food and lived. Farming की वजह से क्या हुआ? उनका जो रहने का तरीका था, food और रहने के तरीके में फर्क आया. अब जब वो farming करते थे, तो वो एक ही जगह रहने लग गए. Now they did not move from one place to another to hunt animals. इसके लिए अब उन्हें क्या करना पड़ता था?
एक ही जगह रहना पड़ता था क्योंकि वो एनिमल को हंट नहीं करते थे. दे लिव्ड इन वन प्लेस एंड सम बिल्ड स्मॉल मड हाउसेस टू लिव इन. अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक ही जगह रहना शुरू किया और अपने छोटे छोटे मड से जो है वो अपने घर बनाने स्टार्ट कर दिए. दे बिल्ड देयर हाउसेस टुगेदर एंड द स्मॉल विलेजेस केम अप. और इसके साथ साथ क्या शुरू हो गया, पास पास घर बनने शुरू हुए, वो साथ साथ रहने लग गए और इस तरीके से विलेज बनने स्टार्ट हो गए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 12. नाउ रीड इट ऑन योर ओन. थैंक यू.